मुझे लग रहा है कि देखिए ये डील जो हुई है इसमें कोई अर्निंग्स एक्रेटिव की बात हुई नहीं है, क्योंकि जोमेटो पहले तो खुद ही लॉस कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अभी भी इनका आंकड़ा माइनस है, और इन्होंने दूसरी एक लॉस मेकिंग कंपनी खरीदी है। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने IPO के बाद इसमें पैसा लगाया है, ये काफ़ी अनफेयर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स काम में नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि जो भी एक्विजिशन हो रहा है इसमें वैल्यूएशन तो महंगा है ही, बट यू नो एक सफ़ेद हाथी दूसरे सफ़ेद हाथी को खरीद रहा है, और मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा सा यू नो समय लगेगा कि ये कभी ब्रेक इवन होंगे, कभी कैश फ्लो शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स तो आई है, लेकिन आम निवेशक को मैं यही कहूंगा कि जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की क्लैरिटी आती नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से ये शेयर्स एक तरीके के मोमेंटम शेयर्स रहेंगे, इसमें कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से इस शेयर से एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग दूर रहिए। मेरे ख्याल से निचले लेवल पे आपको मौका जरूर मिलेगा, बिजनेस बहुत बढ़िया है इसमें कोई डाउट नहीं, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ अगले 3-5 साल में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो वैल्यूएशंस है वो मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी महंगे। नहीं बिल्कुल, स्टॉक मार्केट और क्रिकेट इस तरह का ही है, अनएक्सपेक्टेड चीजें मार्केट में होती है और यू नो क्रिकेट में भी होती है, तो डेफिनेटली अच्छा लगा। आई थिंक थोड़ा सा अपसेट हो चुका है, बट आई थिंक खेल का मजा अलग होता है, मार्केट्स का मजा अलग होता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से डेफिनेटली क्रेडिबल है कि MP ने बहुत एफर्ट्स करके यू नो मैच जितवाई। गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लग रहा है कि देखिए एक्सेंचर के रिजल्ट्स आने के बाद मुझे लग रहा है कि सारे मार्केट्स में एक पॉजिटिव रिएक्शन IT सेक्टर के तरफ आ रहा है। इनकी कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी, और इंफोसिस के AGM की अगर हम बात करें तो ग्रोथ आउटलुक को लेके मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है, काफी स्ट्रांग क्वार्टरली Q1 परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है, और मार्जिन्स में उन्होंने जो बोला है कि वो मार्जिन्स अभी भी रिटेन करने वाले हैं, तो इस बात की पुष्टि मैनेजमेंट से मिली है कि ऐसा कुछ इमीडिएट नेगेटिव सरप्राइज आएगा नहीं, प्लस रुपया का जो टेलविंड अभी मिल रहा है IT कंपनीज को, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ये भी फैक्टर इन कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसका भी बेनिफिट कंपनीज को मिले, तो इंफोसिस मुझे लग रहा है डेफिनेटली अपने रडार में रखिए, इनफैक्ट TCS को भी मैं कहूंगा कि अपने रडार में रखिए, क्योंकि फ्रंटलाइन कंपनीज के जो Q1 के नंबर्स आएंगे FY23 के लिए, वहां पे अगर कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज मार्जिन्स पे या ऑर्डर बुक पे या कमेंट्री पे ये कंपनीज की आती है तो मार्केट्स डेफिनेटली इनको अच्छी तरह से रिग्रेट करेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स काफी पिट चुके हैं और अभी इस लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी डाउनसाइड है, तो डेफिनेटली इंफोसिस TCS कुड बी बॉट एट द करंट लेवल, अगर नजरिया कम से कम अगले 6-12 महीने का है। डिप्टी मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा मोटर्स में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो उनके कर्जे के ऊपर है। एन चंद्रा जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि FY24 तक पूरी तरह से यू नो JLR की डेट पूरी तरह से यू नो कर्जा मुक्त होगी, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन ये कैसे कंपनी करेगी वो डेफिनेटली एक चैलेंज रहेगा, और जैसे सभी को पता है यूरोप में US में अभी मार्केट्स बहुत टाइट है, तो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ढीली हो सकती है, मार्जिन पे थोड़ा दबाव आ सके। मेरे ख्याल से ऑटो में जो सबसे बेहतरीन का यू नो विकल्प है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। आज तो यू नो नई गाड़ी की लॉन्च तो होने वाली है, लेकिन XUV 700 की बात करें या उनकी महिंद्रा थार की बात करें तो वेटिंग पीरियड करीबन 6-8 महीने का है, तो ये बात क्लियर है कि डिमांड इन गाड़ियों के लिए बहुत स्ट्रांग है, कस्टमर्स वेट करना चाहते हैं, और ओवरऑल जो लीवरेज है ऑपरेटिंग लीवरेज उसका बेनिफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा को आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा, तो M&M एट दिस लेवल लुक्स बेटर पोजीशन कंपेयर टू टाटा मोटर्स। मानसिक मुझे लग रहा है कि पिछले बार की डिसअपॉइंटमेंट के बाद आज अगर बायबैक की प्राइस यू नो अट्रैक्टिव नहीं होती है तो मेरे ख्याल से इनके लिए काफी यू नो निचला लेवल हम देख सकते हैं, क्योंकि बायबैक में अगर मान लीजिए कि मामूली 8-10% का प्रीमियम है मार्केट प्राइस पे तो ये कोई बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से अगर 20% या 25% का प्रीमियम मिलता है तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो को बायबैक का डेफिनेटली लाभ मिलेगा, ऑब्वियसली उसमें एक वैल्यू यू नो बाय हो सकता है। नंबर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद 1-2 क्वार्टर्स थोड़ी बहुत यू नो चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि टू व्हीलर मार्केट अभी भी इतना ज्यादा सुधरा नहीं है, होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो रूरल डिमांड वापस आएगी और इनके लिए काफी अच्छी यू नो पोजीशन बनाएगी, बट बायबैक में आज जो बायबैक का प्राइस रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ज्यादा प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस नहीं आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स इसको एक नेगेटिव सरप्राइज वापस मानेगी, तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। आज बोर्ड मीटिंग के बाद हमको पूरी तरह से डिटेल्स मिलेंगे, उसके बाद में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक यू नो एंट्री करने की बात हम सोच सकते हैं।
नहीं पिंपी, मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी के पास 6000 करोड़ की कैश है, अगर वो कैश शेयर होल्डर्स को अच्छी तरह से रिटर्न करते हैं तो 4400-4500 का एक प्राइस अगर आता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट इसको अच्छी तरह से होपफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास कैश की बहुत रिजर्व है और इनको इनकी कैश की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फ्री कैश तो वो हर साल अच्छी तरह से जनरेट करते ही है। तो मेरे ख्याल से 4400-4500 का एक प्राइस अगर बनता है और कितना बड़ा बायबैक है वो भी देखना पड़ेगा, तो ये अगर होता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिल सकता है। देखिए डॉक्टर रेड्डीज की जो एक्विजिशन है, मुझे लग रहा है कि छोटी एक्विजिशन है और इसका इम्पैक्ट इतना सिग्निफिकेंट अर्निंग्स पे नहीं आएगा, बट अगर आता भी है तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम एक दो क्वार्टर्स इसको वेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली हमको लग रहा है कि ईपीएस एक्रेटिव ही रहना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि पूरे फार्मा स्पेस में आपको ऐसी कंपनीज देखनी चाहिए जहां पे वो डोमेस्टिक और यूएस मार्केट्स का बड़ा एक्सपोजर है, और मुझे लग रहा है कि यहां पे ग्रोथ मोमेंटम आने वाले साल में काफी स्ट्रांग होने की उम्मीद है। काफी समय के बाद यूएस मार्केट्स में प्राइस स्टेबिलिटी दिख रही है और स्पेशली जो स्पेशलिटी सेगमेंट्स है वहां पे ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सन फार्मा में जरूर अपने रडार पे ये स्टॉक रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सन फार्मा के जो नंबर्स पहले क्वार्टर के आएंगे प्लस FY23 के लिए आएंगे काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड शुड बी बेटर, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है जो इन्वेस्टर्स को अगर अगले 6-12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी अच्छा आ सकता है। देखिए मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम स्पेस में जो फ्रंटलाइन प्लेयर्स है जैसे भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो है, यहाँ पे तो ग्रोथ रहेगी, लेकिन जो हार्डवेयर सप्लायर्स है मुझे लग रहा है तेजस नेटवर्क्स, यहाँ पे भी फोकस करिए क्योंकि 5G रोल आउट अभी जल्दी होने वाला है, यहाँ पे डेफिनेटली कंपनीज को काफी फायदा होना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंटली टाटाज ने यहाँ पे एक हिस्सेदारी खरीदी है और ऑब्वियसली इस बात पे मार्केट भी काफी पॉजिटिव है। दूसरी बात IT कंपनीज में मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा पे फोकस करना जरूरी है क्योंकि 5G के स्पेस में इन्होंने बहुत काम किया है। मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर किसी को 6-12 मंथ्स का नजरिया लेना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये नंबर वन है और 5G के एरिया में जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएंगे यहाँ पे जरूर आपको एक अच्छा निवेश का मौका मिल सकता है। तो आई थिंक काफी अपॉर्चुनिटीज है और सबसे बड़ी बात टेलीकॉम सेक्टर अभी कैपेक्स मोड में तो है ही, लेकिन प्राइसिंग पावर वापस आ रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जो लार्ज मोबाइल प्लेयर्स है जैसे कि भारती और रिलायंस वहां पे तो मौके जरूर है, बट जो एंसिलरी प्लेयर्स है यहाँ पे भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स के चॉइसेस रहेंगे आने वाले 6-12 मंथ्स के लिए। मुझे लग रहा है कि अगर लंबी निवेश की बात करें तो देखिए अभी तो कंपनी लॉस में है, लेकिन जब पब्लिक इशू हुआ था तभी कंपनी ने कहा था कि काफी नॉन कैश आइटम्स है जो आने वाले साल में नहीं आएंगे, और कंपनी का मानना है कि आने वाले साल में वो प्रॉफिटेबल भी बनेगी, और इन्होंने जो कहा है कि एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स जो एक स्पेस है वहां पे इनका काफी अच्छी पकड़ है, अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है, तो डेफिनेटली जिनको लंबी अवधि के लिए कम से कम 1.5-1.5 साल का व्यू पॉइंट से ये स्टॉक लेना है डेफिनेटली इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वॉलिटिलिटी हो, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। देखिए डिम्पी मुझे लग रहा है कि अभी नॉर्मल से आने के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, और अभी हाल ही में ये भी रेगुलेशन आया कि क्रेडिट कार्ड्स को आप UPI से कनेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो काफी बढ़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली SBI कार्ड्स अगर हम पोजिशनिंग देखें तो HDFC के बाद इनका नंबर आता है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल मिक्स है इनके कस्टमर्स का और काफी तेजी से इनके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, तो ये एसेट लाइट मॉडल है। टिपिकली बैंकों में लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे टेन्योर जो होता है लोन्स का बहुत छोटा होता है, और इनको काफी हद तक जो लेट पेमेंट्स का जो फी इनकम है वो काफी सिग्निफिकेंट है, तो अगर किसी का लंबा नजरिया है कम से कम 8-12 महीने का तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, स्टॉक जरूर 10-12% जरूर चल चुका है लेकिन अपनी स्पेस में ये काफी बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है, तो इसको होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि अगले 6-12 महीने में यहाँ से भी अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिलेगी, तो होल्ड की रहे।